सीवान में लगातार रफ्तार की कहर से लोगों की जान जा रही है और लोग घायल हो जा रहे हैं। आज फिर सीवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छाता गांव के समीप अनियंत्रित बोलेरों ने एक बच्चे समेत 3 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक दादा और पोते थे जिनकी स्थिति काफी गंभीर है और सीवान सदर अस्पताल में इलाज कराने के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि 2 साल के बच्चे और उनके दादा की हालत काफी गंभीर है। घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। बच्चा को हेड इंजुरी है और चेस्ट इंजुरी है, छोटे उसको फिर रेफर कर दिया गया। हाँ, रेफर कर दिया गया है, क्योंकि उसको फ्रंटल बोन में ज़्यादा फ्रैक्चर है, बोन डीप है और बच्ची अनकॉन्शियस है, चेस्ट में काफ़ी फ्रैक्चर है। थैंक यू।